चलिए आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि पढ़ाए थे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि डिक्रीजिंग कैसे होता है, इंक्रीजिंग कैसे होता है, डिक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, उसके बारे में चर्चा किए थे। लेकिन हम लोग सिर्फ कंडीशन याद करेंगे, बनाने जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो यहीं से सॉल्व होगा। कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, इसका मतलब नीचे एरो आईएनजी का मतलब डिक्रीजिंग है। इनके फॉर कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो देखिए यहाँ पे इसमें नया वर्ड आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहने का मतलब है इसमें पहला आपका आएगा इंक्रीजिंग, क्या आएगा इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है। इंक्रीजिंग देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए किसी इंटरवल में देखेंगे हम लोग, सपोज कोई फंक्शन ऐसा फिर कुछ देर के लिए बराबर हो गया, फिर से बढ़ना शुरू किया, फिर बराबर हो गया और फिर बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये एक इंटरवल हो गया ए और दूसरा यहां पर क्या हो गया बी। तो देखिए एक्स और बी में क्या है, एक्स ए से बी में जो है मेरा इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज किया फिर कुछ देर के लिए कॉन्स्टेंट हो गया, फिर से इंक्रीज किया कॉन्स्टेंट हो गया, डिक्रीज तो कहीं नहीं किया। इसका मतलब इसका जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। ये आपका कंडीशन है किसका, इंक्रीजिंग का ये कंडीशन हो गया। क्या एट एस एक्स पॉजिटिव इक्वल टू का साइन क्यों लगा, चूंकि ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है कुछ क्षण के लिए, कुछ ही देर के लिए इक्वलिटी होल्ड किया, पूरे इंटरवल में इक्वलिटी नहीं है। दूसरा इसमें आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, सिंपल से देखिए स्ट्रिक्टली का मतलब हो जाएगा ये सिर्फ बढ़ता चला जाएगा, क्या करेगा बढ़ता, देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है, मैंने यानी कि ए से बी में लेकर के क्या हो रहा है एक्स बराबर है, एक्स की वैल्यू ए से बी में क्या कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे भी इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू है, कहीं भी इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ इंक्रीज कर रहा है नहीं। तो इसका जो कंडीशन होगा वो एफ डैश एक्स सिर्फ पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अ स्मॉल ए और बी, ये कंडीशन होगा किसका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। आने की अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा तो इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब हो गया वो कुछ देर के लिए क्या हुआ, इक्वल भी हो सकता है, बढ़ भी रहा है, बराबर में चल रहा है, और स्ट्रिक्टली का मतलब सिर्फ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है नहीं, सिर्फ ये इंक्रीज कर रहा है। फिर दूसरा आपका आएगा डिक्रीजिंग का, दूसरा इसमें क्या आएगा आपका, दूसरा आएगा डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में कैसा होगा देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स वाई सपोज डिक्रीजिंग का मतलब देखिए, हमें ये फंक्शन ऐसे चलना शुरू किया, फिर से कॉन्स्टेंट हो गया, फिर ऐसे आया, फिर कॉन्स्टेंट हो गया, फिर ये घट गया, यानी कि सपोज ये देखिए नीचे से ए है और ये इंटरवल मेरा क्या है बी है, देखिए तो नीचे से तो ऊपर से तो नीचे आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या हो रहा है ये कॉन्स्टेंट हो जा रहा है, नहीं कहीं पर कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। इसका जो कंडीशन होगा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये कंडीशन होगा किसका, डिक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब वो सिर्फ घटेगा, मतलब उसमें कहीं भी इक्वलिटी होल्ड नहीं होगा, मतलब कहीं बराबर नहीं होगा, सिर्फ क्या करेगा वो घटेगा ही। माने आने की आप देख लीजिए, हम ए हो गया और सपोज ये बी हो गया, ये वाई बराबर एफ एक्स की फंक्शन, ये सिर्फ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। इसका कंडीशन एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, बस यही कंडीशन हम लोगों को याद रखना है, और इसी कंडीशन के माध्यम से हम सारे सवाल को हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान है नहीं, हम लोग देखते हैं इस पर सवाल कुछ करेंगे, ये लॉ का है।